Hello everyone, today we are going to read class 8 learning science book, Cordova. First chapter that is crop production and management. Okay, so let's start from the beginning of the chapter. First of all, we will learn the main part because par this chapter is very much long, so we will run, learn it in periods. I will not be able to teach you the whole chapter in first video only we will read it in periods also in many videos i'm going to explain you this chapter okay so let's start to so, ye chapter mein batata hai ki food jo hai ek basic necessity hai hamari life ki hum sabhi living organisms ki food hame energy deta hai ki hum apna sara kaam kar pate hain body se digestion respiration and excretion food जो है हमारी growth के लिए necessary है development के लिए necessary है हर चीज़ के लिए हमें खाना तो चाहिए ही चाहिए कि अगर हमें मतलब फीवर भी अगर हमें हो जाता है तो पेरेंट्स क्या कहते हैं वी शुड हैव फूड खाओ थोड़ी ताकत मिलेगी खाना खाओ ताकत मिलेगी ये खाओ देन हर चीज़ में हमें फूड तो चाहिए ही चाहिए सारे लिविंग ऑर्गेनिज कितने सारे लिविंग ऑर्गेनि में लेकिन उन सब में से सिर्फ एक प्लांट्स ही ऐसे हैं ग्रीन प्लांट्स जो कि अपना ख़ुद का खाना बनाते हैं एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं और दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड करते हैं अपने खाने के लिए अब आप सोच रहे होंगे दूसरे एनिमल्स पे डिपेंड कैसे करते हैं खाना तो सिर्फ ग्रीन प्लांट्स बनाते हैं लाइक जो हमारा लॉयन है लॉयन द किंग ऑफ द जंगल वो किस पे डिपेंड करता है दूसरे एनिमल्स पे लाइक रैट हो गया कैट्स हो गई ये इन सबको किल करते हैं और खा लेता है तो वो तो एक टाइप से दूसरे एनिमल्स पर डिपेंडेंट है ना इसी तरह जो कि हमें अपना फूड जो है वो प्लांट से और एनिमल से मिलता है लाइक सम पीपल रेफर टू ईट मीट कुछ मीट खाते हैं लोग वी कॉन्ट वी कान से इन एनिमल्स वी कैट से इट इन ह्यूमस ऑलनी कि मतलब इंसान भी मीट खाना पसंद करते हैं तो वो भी तो एनिमल्स पे डिपेंडेंट है इतनी हमारी जो लार्ज पॉपुलेशन है ना इन मतलब इस इतने सारे लोगों को खाना प्रोवाइड करना प्रॉपर मैनेजमेंट करना और फूड को सबको एक इक्वल अमाउंट में देना बहुत ज़रूरी है टेन थाउजेंड बी सी ई तक नोमैडिक पीपल वॉन्टेड फ्रॉम मतलब वो लोग ना नोमैडिक पीपल ऐसे हुआ करते थे मतलब कुछ लोग वहाँ पर जगह से जगह भटका करते थे खाने के लिए और रहने की जगहों के लिए वो खाना मतलब फ्रूट्स खा लेते थे और कच्ची वेजिटेबल्स खा लेते थे फॉरेस्ट में ढूंढ ढूँढ कर और एनिमल्स को हंट करते थे अपने खाने के लिए क्योंकि उस टाइम तो उन्हें कोई खाना मिलता नहीं था कैसे उसको कुक करना है कैसे करना है लेटर बाद में लोगों ने फार्मिंग सीखी कल्टिवेटेड वीट और उन्होंने अनाज उगाया राइस उगाए और अदर फूड क्रॉप्स उगाई दे ऑल्सो उन्होंने मतलब एनिमल्स भी डोमेस्टिकेट करने शुरू कर दिए जिससे अपनी फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए और बहुत हार्डवर्क भी किया देन हमारी बहुत चीज़ पॉइंट आता है एग्रीकल्चर एग्रीकल्चर है क्या देखो पहले क्या होता था वो उन्होंने खाना तो इकट्ठा करना शुरू किया फिर ही तो उन्होंने प्रोवाइड करना शुरू किया पहले तो उन्होंने खुद के लिए इकट्ठा किया था ना खाना फिर जब बाद में उनके पास सफिशेंट अमाउंट होती गई तब तो उन्होंने सबको प्रोवाइड भी करना शुरू किया एग्रीकल्चर एक, एक साइंस है जो कि मास प्रोडक्शन क्रॉप प्लांट्स और एनिमल्स के मास प्रोडक्शन से डील करती है आई नो मतलब ये चीज़ आपको क्लियर नहीं होगी एग्रीकल्चर एक अप्लाइड साइंस है मतलब कि एग्रीकल्चर क्या है खेती है वो एक साइंस है कि जो हमारी क्रॉप प्लांट्स और एनिमल्स हैं इसको कितनी अमाउंट में उगाना है जो कि ह्यूमन इंसानों के ही काम आएगी उनके लिए कितनी क्रॉप प्लांट्स उगनी चाहिए प्लांट्स को क्रॉप करना और एनिमल्स को रेयर करना सब कुछ जो ध्यान में आता है ये सब कुछ एग्रीकल्चर में आता है कि ये जो अनाज उग उगरा है हमारे लिए जो फार्मर्स ग्रो कर रहे हैं क्या कर रहे हैं वो एग्रीकल्चर कर रहे हैं उनका बिजनेस है ये क्रॉप प्रोडक्शन के अलावा बहुत सारी ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज़ है जैसे फ़िशिंग हो गई सेरीकल्चर हो गया सेरीकल्चर और फिशिंग क्या होती है फिशिंग मीन फिश निकालना सेरीकल्चर शिप का शिप शिप की वूल्स वूल को से अलग करना ये सब कुछ हमारा एग्रीकल्चर में आ जाता है इंडिया की पॉपुलेशन फ़टाफट बढ़ती जा रही है और इन सबकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए प्रॉपर फूड मैनेजमेंट और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ़ फ़ूड नेसेसरी है क्रॉप्स और क्रॉपिंग पैटर्न अब क्रॉप करने का वही पैटर्न भी तो होना चाहिए जो प्लांट्स हमारे सेम काइंड मतलब सेम काइंड के प्लांट्स हैं सारी एक ही चीज़ के हमें लाइक like मैंगो का प्लांट लगा रहे हैं हम वो सेम ही जगह पर लगाए जाएँ एक ही जगह पर लगाए जाए बहुत सारा मतलब पूरा जो ग्राउंड है वो पूरा उससे ही भर दिया जाए उसको बोला जाता है क्रॉप उसको हम कहते हैं क्रॉप एक ही टाइप के प्लांट का बहुत ज़्यादा टाइप में बहुत ज़्यादा जगह में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में लगना उसे हम बोलते हैं क्रॉप जैसे कि क्रॉप ऑफ वीट अनाज की क्रॉप जैसे कि वो अनाज की क्रॉप मतलब इसका मतलब है जो प्लांट्स हैं ना वो फील्ड में वो सारे वीट के हैं प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस द प्रोडक्ट ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स इज कॉल्ड क्रॉप प्रोड्यूस जैसे कि वीट्स राइस मेज ये सब जो हमारी क्रॉप्स हैं इनके कल्टिवेटेड प्लांट्स क्या हैं लाइक जो ये जब कल्टिवेटेड हो जाती हैं प्रोडक्ट हैं इन जब कल्टिवेट हो जाएंगी तो उसको हम क्या कहेंगे क्रॉप प्रोड्यूसर हम इसको प्रोड्यूस करेंगे ना इंडिया एक बहुत वास्ट कंट्री है मतलब बहुत बड़ी कंट्री है जिसमें बहुत लोग रहते हैं बहुत सारी क्रॉप्स उगाई जाती हैं यहाँ पर हर एक अलग अलग पार्ट में क्योंकि हर एक प्लांट की ना अलग क्लाइमेटिक कंडीशन है, हैं टेम्परेचर अलग है यहाँ पर वीट उगती है साउथ में राइस ज़्यादा उगता है तो क्रॉप्स को भी टू पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है खारिफ क्रॉप्स एंड रेबी क्रॉप्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट खारिफ क्रॉप्स खारिफ क्रॉप्स क्या होती हैं वो क्रॉप्स जो कि रेनी सीजन में उगाई जाती हैं बारिश के मौसम में जो उगती हैं वो होती हैं खारिफ क्रॉप्स जैसे कि मतलब जब भी जून जुलाई शुरू होगा वो तभी फटाफट हार्वेस्ट कर दी जाएंगी या फिर एंड ऑफ मानसून में मानसून ख़त्म हो रहा होगा इ like, सेप्टेम्बर uh, और अक्टूबर के एंड में ये करी जाती हैं ख़ारिफ क्रॉप्स जो होती है ना डिपेंड करती है वो मॉनसून रेन पे कि बारिश कितनी होगी और उतनी जितनी ज़्यादा बारिश होगी उतनी ज़्यादा वो ज़्यादा होंगी राइस में सोयाबीन ग्राउंडनट कॉटन ये सारी हमारी ख़ारिफ क्रॉप्स हैं नाउ सेकेंड पॉइंट इज रेबी क्रॉप वो क्रॉप जो विंटर सीजन में उगाए जाएँ वो रैबी क्रॉप्स हैं ख़ारिफ रेनी सीजन विंटर रैबी क्रॉप्स रैबी क्रॉप्स को सोन किया जाता है विंटर सीजन की स्टार्टिंग में क्योंकि विंटर में ही विंटर सीज़न में ही उगती है तो कब स्टार्ट करेंगे विंटर सीजन की स्टार्टिंग में या फिर इनको मार्च अप्रैल में हार्वेस्ट किया जाता है रैबी क्रॉप्स मतलब मॉनसून और रेन्स पर डिपेंड बिल्कुल नहीं करती हैं कि जितनी ज़्यादा रेन होंगी उतनी ज़्यादा ये ग्रो करेंगी ऐसा कुछ नहीं है ऐसा बिल्कुल नहीं होता वीट ग्राम पी मस्टर्ड ये सब हमारी लाइन सीड ये सब हमारी रेबी क्रॉप्स होती हैं जो कि वीट तो हमारी एक डेली नीड है वीट के बिना तो रहना आई थिंक हमारे लिए इम्पॉसिबल है कि हम मोस्टली कितनी कोशिश कर ले कि हम रोटी ना खाएं बट इट्स नॉट पॉसिबल ना वी शुड मतलब वी नीड एनी एनी टाइम एनी वन चपाती नेट कम्स एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होती है वो प्रैक्टिसेस मतलब वो प्रैक्टिसेस वो एक्टिविटीज़ होती हैं एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में मतलब एक जो फार्मर्स अपना काम करते हैं कि एक गुड क्रॉप उनको उगानी है तो उस पीरियड में वो ये उगाएंगे उस पीरियड में वो करेंगे वो एक अलग अलग पीरियड में डिफाइन मतलब डिवाइड कर देते हैं इस चीज़ को एग्रीकल्चर प्रैक्टिसज हमारी सेवन टाइप्स की होती हैं प्रेपरेशन ऑफ सॉइल सिलेक्शन एंड सोइंग ऑफ सीड्स रिप्लेनिशमेंट इन द न्यूट्री न्यूट्रीन इन द सॉइल मतलब मेन्योरिंग इरीगेशन क्रॉप प्रोटेक्शन हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज टुडे वी आर गोइंग टू ओनली रीटिल द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हम सिर्फ इनके पार्ट्स तक ही पढ़ेंगे आज सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट स्टैंड ऑफ सॉइल ये ना क्रॉप उगाने का फर्स्ट स्टेप होता है इसमें लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल होती है मीन सॉइल को ढीला छोड़ना प्रेपरेशन ऑफ सॉइल के टू पार्ट्स होते हैं प्लोइंग एंड लेवलिंग सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स लर्न अबाउट प्लोइंग ओनली प्लोइंग जो होती है ना वो प्रोसेस है मतलब वही जो उन्होंने बताया कि प्रेपरेशन ऑफ सॉइल में कौन से बात होते हैं लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल और प्लोइंग जो होती है वो वही प्रोसेस होती है लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल हमें सॉइल को ढीला छोड़ना लूजनिंग या फिर उसको टर्न करना लाइक like आप इस में अगर देख पा रहे हो तो टर्न करना सॉइल को इन कुछ भी करना मतलब सॉइल में उसको हम कहते हैं प्लोइंग लाइक जब वो प्लोइंग करानी होती है या उसको हम टिलिंग भी कहते हैं मतलब गड्ढे खोदना कह दो आप जैसे कि मैं आपको एक इमेज शो करती हूँ इसकी सी इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक प्लो से ना या फिर आप प्लो से ले लो या बुल्स ले लो आप या फिर एक ट्रैक्टर ले लो हमें या तो प्लो से कर रहे हैं या फिर ट्रैक्टर से या फिर बुल्स लेकर हमें उसको या तो वापस टर्न करते जाने की मतलब नीचे की सॉइल ऊपर आ जाए ऊपर की नीचे आ जाए <coughs> लूजनिंग ऑफ सॉइल ना बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्यों होती है अब हम इसको बारे में रीड करेंगे देखो लूज सॉइल पार्टिकल्स जब लूज सॉइल होती है ना उसके पार्टिकल्स में ज़्यादा स्पेसेस आ जाएंगी लाइक आपने मॉलिक्यूल्स के बारे में तो पढ़ा होगा सॉलिड लिक्विड गैसेस जो कि जो रूट्स होती है ना प्लांट्स की उनको हेल्प करती हैं कि वो आराम से ब्रीथ कर सकें लूज सॉइल पार्टिकल्स ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकती है ज़्यादा टाइम के लिए इससे क्या होता है कि जो रूट्स होती है उसको ज़्यादा पानी मिलता है लूज सॉइल लूज सॉयल जो होती है ना वो रूट्स को मतलब हेल्प करती है कि वो ज़्यादा डीप जा सके सॉइल की तीनों लेयर्स में जा सके और इससे क्या होता है वो प्लांट्स को ना आराम से वहाँ पर फिक्स कर सके लूज सॉइल हमारी मैन्योर और फर्टिलाइजर से आराम से मिक्स हो जाती है इससे क्या मदद होता है कि इट हेल्प्स टू वो फील्ड में से वीट्स भी हटाने मदद में मदद करती है वीट्स मीन्स कीड़े जो आ जाते हैं उसमें लूज सॉइल प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ़ यूजफुल सॉइल माइक्रोब्स मतलब इसमें जो यूजफुल ज़रूरतमंद सॉइल के माइक्रोब्स होंगे ये उनको भी प्रमोट करेंगी ये माइक्रोब्स जो होते हैं ये हमारी सॉइल में ह्यूमस ऐड करते हैं जब हम सॉइल को वाइट टर्न कर रहे होते हैं प्लोइंग में तो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल को ऊपर लाया जाता है नीचे के लेवल से जिससे कि प्लांट्स जो हैं इन न्यूट्रिएंट्स को यूज कर सकें दैट्स वाई लूज सोइल इज वेरी वेस्ट